मैं वो श्री कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भूल थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। तुम मेरा कभी भला नहीं चाह सकती। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरा सब कुछ छीना, सब कुछ। नहीं दीदी, पहले पिताश्री का स्नेह और अब नारायण का प्रेम भी। एक अवसर मिला था मुझे अपने प्रेम के पास जाने का, तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। क्यों? मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो स्वप्न में भी आपको दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। मेरा विश्वास कीजिए दीदी। मैंने क्यों विश्वास करूँ तुम्हारा? यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो वचन दो मुझे। वचन दो कि आज के पश्चात तुम मेरे और नारायण के मध्य कभी नहीं आओगी। वचन दो श्री, वचन दो मुझे। किसी भी बात पर चिंतित न होने वाले नारायण के मुख पर ये चिंता की रेखाएं कैसी? कोई भक्त जब प्रेम से भोग लगाए किंतु उसे प्रसाद न मिले तो देवता तो दुखी हो ही जाते हैं ना महादेव। नारायण, क्या यहां सत्य में प्रश्न केवल देवता और उसके भक्त का ही है? यदि वास्तव में बात ऐसी ही है तो उसका भी एक उपाय है, भक्त को उसके भाग का प्रसाद दीजिए। किंतु वो तो जा चुकी है, अब वैकुंठ से कैसे प्रसाद दूं? भक्त के वैकुंठ आने पर प्रतिबंध है, परंतु देवता वो तो प्रसाद देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। वचन दो, वचन दो, वचन दो कि नारायण तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होंगे। तुम कभी भी हमारे मध्य नहीं आओगी। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपके और नारायण के मध्य कभी नहीं आऊं। सत्य कहा महादेव, अपने भक्त के भोग का प्रसाद देने मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। ना स्वयं सोगे ना हमको सोने दोगे। लगता है मार्ग भटक गए हो, तो मैं तुम्हारे उच्च स्थान पर लेकर जाती हूँ। जाओ जाके उपवन में उड़ो पुष्पों के मध्य। नारायण, आप यहाँ? क्षमा चाहता हूँ समुद्र पुत्री, रात्रि को एक कुमारी के कक्ष में पहुंचना उचित नहीं होता, इसीलिए आपको बुलाने के लिए मुझे इस भ्रमर की सहायता लेनी पड़ी। आशा करता हूँ कि मेरे यहाँ इस समय आने पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। आपको इस समय यहाँ आने पर विवश क्यों होना पड़ा? भक्त के समक्ष भगवान तो विवश हो ही जाता है ना। आपने अपने भोग लगाने का धर्म तो पूर्ण कर लिया, किंतु आपको प्रसाद देने का मेरा कर्म अधूरा रह गया था।
बस उसे ही पूर्ण करने आया हूँ। इसे ग्रहण करके मुझे इस ऋण से मुक्त करिए। रात्रि के इस प्रहर में श्री कहाँ गई? ये उपवन में कौन है? क्षमा करे नारायण, अब मुझे जाना होगा। यदि पिताश्री जग गए और उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं भवन में नहीं हूं तो वो रुष्ट होंगे। जो समुद्रदेव मुझे अपना शत्रु मानते हैं, उनके महल में मेरी प्रतिमा। पिताश्री तो इसे यहाँ देखना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए इसे यहाँ रखवा दिया आपके प्रिय कमल के पुष्पित पर। एक एक शंख जोड़कर पूरी निष्ठा और धीरज के साथ बनाई गई है ये प्रतिमा। किसी की भक्ति और अत्यंत प्रेम की झलक इस प्रतिमा में दिखती है। क्या इसे तुमने बनाया है श्री? है ना? इसे मैंने बनाया है नारायण। तुमने बनाई है ये प्रतिमा? श्री, बताओ नारायण को कि मैंने कितने भक्ति और प्रेम से ये प्रतिमा बनाई है। मुझे मेरा प्रेम प्राप्त करवाने में सहायता करोगी ना? यदि मुझे नारायण नहीं मिले तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। बताओ श्री, नारायण को बताओ कि ये प्रतिमा मैंने बनाई है। हाँ नारायण, ये प्रतिमा अलक्ष्मी दीदी ने बनाई है। बचपन से इनके मन में एक आकृति ने घर बना रखा था जिसे इन्होंने प्रत्यक्ष नहीं देखा था, किंतु इस प्रतिमा से दीदी को जन्मों जन्मांतर की संबंध की अनुभूति होती थी। उन्होंने इसे एक प्रतिमा का रूप दिया और प्रतीक्षा की कि कब उनकी ये कल्पना की ये प्रतिमा जीवंत होगी। ये सब अलक्ष्मी दीदी ने किया है नारायण। ये प्रतिमा मैंने इसलिए बनाई ताकि एक दिन जब आपसे मेरी भेंट हो तो मैं ये प्रतिमा आपको भेंट में दे सकूं। इसे स्वीकार कीजिए और बैकुंठ ले जाइए ताकि आप मुझे स्मरण रख सके। एक भक्त की भेंट को अस्वीकार कैसे कर सकता? विदा का समय आ गया है। एक क्षण नारायण, इस भोग के बदले आप प्रसाद देने यहाँ पधारे तो क्या इस भेंट के बदले आप प्रतिभेंट नहीं देंगे? कर्म का फल तो मिलता ही है लक्ष्मी। जिसने इतने यत्न से ये प्रतिमा बनाई है उसे उसकी प्रतिभेंट अवश्य मिलेगी। वासुदेवाय धीमहि।
श्री, आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ कि कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। अब शीघ्र चलो, अन्यथा पिताश्री जाग जाएंगे। चलो। तुमने एक बार पहले भी मेरी संतान छीनी है नारायण, परंतु अब मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम और श्री कभी एक नहीं होंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।